दोस्तों आज हम आपको जिस देश की सैर पर लेकर जा रहे हैं, यकीन मानिए उस देश की प्राकृतिक खूबसूरती के आप दीवाने हो जाएंगे। ये देश घर है जेलीफिश का। जी हाँ, उसी जेलीफिश का जिसे छूने में एक अलग ही एक्सपीरियंस फील होता है और देखने में ये बहुत खूबसूरत लगती है। इसी के साथ दोस्तों, कहा जाता है कि ये देश पहला देश है जिसने अपने देश में सनस्क्रीन को बैन कर दिया। जी हाँ, आप इस देश में सनस्क्रीन यूज नहीं कर सकते हैं, और ये काम इस देश ने क्यों किया है ये हम आपको आगे बताएंगे। इसी के साथ ये उन देशों में शुमार है जो छोटा जरूर है लेकिन आंख से आंख मिलाकर चीन को चुनौती देता है और उसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। तो वो कौन सी बात थी जो चीन की इस देश ने नहीं मानी और चीन ने उसके बाद क्या किया, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक बेहद ही खास देश की सैर से। छोटा है लेकिन बहुत ही खास, नाम है पलाऊ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। कहते हैं कि पलाऊ की मनमोहक सुंदरता इस ग्रह की सबसे खूबसूरत सुंदरता है। पलाऊ को बेलाऊ गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 200 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से केवल 8 पर ही लोग रहते हैं। ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। पलाऊ को अक्टूबर 1994 में आजादी मिली और इसी वर्ष दिसंबर में इसे संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया। पलाऊ में लगभग 20 से 21,000 लोग रहते हैं। इसमें से लगभग 70% पलाऊ वासी कोरोर द्वीप में रहते हैं। पलाऊ की कैपिटल नगेरुलमुद है। दोस्तों, पलाऊ का टोटल एरिया 489 वर्ग किलोमीटर यानी कि 189 वर्ग मील है। दोस्तों, पलाऊ की अछूती चट्टाने, मूंगा संरचनाएं, समुद्री जीवन इसकी ओर आपको अट्रैक्ट करेगा। विशाल गुफाएं, ब्लू होल और विदेशी और दुर्लभ समुद्री प्रजातियां भी यहां देखने को मिलेगी। क्रिस्टल साफ पानी आपको बहुत खूबसूरत लगेगा। पलाऊ अपनी खूबसूरती, अपनी समुद्री सुंदरता के लिए जाना जाता है। कोरल रीफ से घिरे इसके द्वीप बहुत तरह के जीवों के घर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि इस देश ने बहुत पहले अपने देश में सन क्रीम का यूज बैन कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, इंटरनेशनल कोरल रीफ फाउंडेशन के मुताबिक सन क्रीम के तौर पर इस्तेमाल होने वाले रसायन समुद्री जीवों के लिए जहर के समान है। इस पर पाबंदी लगा दी गई और पाबंदी लागू करते हुए पलाऊ के राष्ट्रपति टॉमी ने कहा कि हमें अपने वातावरण को बचाना होगा। वन्य जीवों पर खतरनाक असर हो रहा है जिससे हमें उन्हें बचाना होगा, जिसके तहत सनस्क्रीन पर पाबंदी लगा दी गई। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ समुद्री जीवों के लिए किया गया। दोस्तों, पलाऊ में कोई सार्वजनिक परिवहन नहीं है। पर्यटकों को मोटरसाइकिल या कार किराए पर लेने या टैक्सी से यात्रा करने के लिए कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश अपनी पुरानी परंपराओं को भी फॉलो करता है। पलाऊन महिलाएं अपने पुरुष समकक्षों की तरह पारंपरिक रूप से अतीत में टॉपलेस रहती थी। वो पोशाक के रूप में केवल 2 टुकड़ों वाली स्कर्ट पहनती थी और कुछ मालाएं। आज भी कुछ स्थानीय महिलाएं हैं जो आपको इस पोशाक में नजर आ जाएंगी। हालांकि आज के समय को देखते हुए लोगों ने एक नई जीवन शैली को फॉलो किया है, अपनी संस्कृति को थोड़ा सा मोल्ड किया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो अपनी पुरानी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि दोस्तों, ये छोटा देश जरूर है लेकिन यहाँ पर आपको पर्यटकों की भारी संख्या मिलेगी। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग समुद्री शिकारी, कछुए, डॉल्फिन, शार्क और मछलियों को देखने आते हैं। फ्लोटिंग गार्डन आइलैंड, जिन्हें द रॉक आइलैंड के नाम से जाना जाता है, चूने के पत्थरों से बने हैं जो आपको यहाँ नजर आएंगे। हैरानी की बात तो ये है कि पलाऊ अपनी रक्षा स्वयं करता है या फिर अमेरिका। दरअसल दोस्तों, पलाऊ के पास अपनी कोई सैन्य शक्ति नहीं है। पलाऊ और अमेरिका के बीच फ्री एसोसिएशन के एक समझौते के तहत इसकी रक्षा के लिए अमेरिका को जिम्मेदारी दी गई है। 1855 में स्पेन ने कैरोलिन द्वीप समूह पर दावा किया। कोरोर के तट पर रॉक द्वीप समूह में लगभग 70 समुद्री झीलें हैं। इनमें से एक जेलीफिश है जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये बेहतरीन जेलीफिश का घर कहा जाता है। जानकर हैरानी होगी कि मनुष्यों के लिए ये जेलीफिश बिल्कुल भी हार्म नहीं पहुंचाती। पलाऊ में एक लोकप्रिय दिन बिताने के लिए, इन जेलीफिश के साथ झील में एक खूबसूरत शाम बिताने के लिए आप यहां आ सकते हैं। साथ ही ये जगह स्नॉकलिंग के लिए भी जानी जाती है। दोस्तों, ये देश छोटा जरूर है लेकिन इस देश ने चीन जैसे विशाल और ताकतवर देश को भी आंख दिखाई है। दरअसल कुछ पॉलिटिकल मुद्दों पर चीन और पलाऊ की बिल्कुल भी नहीं पड़ती। पलाऊ ने चीन को 2 टूक जवाब दिया जो चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आया।
जैसा कि हम सब जानते हैं कि पलाऊ की इकोनॉमी यहाँ के पर्यटकों पर डिपेंड करती है और चीन ने इस पर प्रहार किया। चीन ने इस देश को दबाव में लेने के लिए चीन के यहाँ के सारे ऑपरेटर्स को, जो टूर ऑपरेटर्स थे, उन्हें साफ कह दिया कि पलाऊ के लिए कोई भी टूर पैकेज जारी ना करें। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन पर फाइन लगाया जाएगा। पलाऊ के स्थानीय लोग इसे चीन का बैन कहते हैं। कहा तो ये भी जाता है कि उस दौरान चीन के लोगों के मोबाइल पर ढूंढने पर भी गूगल पर पलाऊ नहीं मिलता था। चीन ने काफी प्रेशर दिया लेकिन पलाऊ बिल्कुल भी डगमगाया नहीं, बल्कि उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका सामना किया। दोस्तों, पलाऊ में देखने के लिए एक से बढ़कर एक चीजें हैं, और खासकर जेलीफिश, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। दोस्तों, यहाँ पर है जेलीफिश झील। जी हाँ, इसे इल मल्क झील भी आप कह सकते हैं। पलाऊ में सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है ये लाखों गोल्डन जेलीफिश के लिए जाना जाता है, जो पर डे झील में प्रवास करती हैं। ये सुनहरी जेलीफिश बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और इसमें डंक भी नहीं है, यानी इससे आपको कोई भी हार्म नहीं होगा। इसके साथ आप तैर सकते हैं और एक बेहतरीन एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इस अद्भुत झील में आपको बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज करने का भी मौका मिलता है। जेलीफिश झील रॉक द्वीप समूह में स्थित है। पलाऊ में जो आने वाले पर्यटक हैं, वो यहाँ जरूर आते हैं। दोस्तों, ये है पेलेलुई द्वीप। संभवतः इतिहास को अगर आप भली भांति जानना चाहते हैं तो ये जगह परफेक्ट है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सबसे भयानक लड़ाइयों में से ये जगह साक्षी है। प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति बहुत स्पष्ट है। हवाई पट्टी के रूप में इसे उपयोग किया जाता था। ये द्वीप पलाऊ में एक प्रसिद्ध गोताखोरी स्थल भी कहा जाता है। हालांकि ये कोरोर से सबसे दूर गोता लगाने वाली जगहों में से एक है, लेकिन यहाँ पर लोग आते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि इतिहास के बहुत करीब है। दोस्तों, ये है एटपिसन संग्रहालय। एटपिसन संग्रहालय कोरोर पलाऊ में एक खूबसूरत सांस्कृतिक संग्रहालय है। ये पलाऊ की समृद्ध परंपराओं और इतिहास को दर्शाता है। ये देश में कलाकृतियाँ, नक्काशी, विरासत, रॉक कला और स्टोबोर्ड को भी दिखाता है। इसमें उपहार की दुकानें भी हैं, यानी आप कुछ यहाँ से गिफ्ट्स भी ले सकते हैं अपने नियर एंड डियर को देने के लिए। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारा प्रोडक्शन होता है, खासकर छोटी छोटी चीजों का, जो कि संग्रहालय में बिकती हैं। आप यहाँ से खरीद सकते हैं और एक याद के तौर पर इसे ले जा सकते हैं। दोस्तों, ये है काइंगिल द्वीप। ये खूबसूरत एटोल पलाऊ के सबसे उत्तरी भाग में है। ये खूबसूरत सफेद समुद्र तट लगभग निर्जन द्वीप की तरह है। यहाँ कोई आपको नजर नहीं आएगा, बहुत रेयर और बहुत कम ही लोग नजर आएंगे। इसीलिए शांति से अगर आपको समय बिताना है तो यहाँ आ जाइए। दोस्तों, ये है मिल्की वे लैगून। पलाऊ में मजेदार जगह और बेहतरीन एक्टिविटीज करने के लिए सेंटर। वाटर एक्टिविटीज की तलाश में जो लोग आते हैं वो यहाँ जरूर आते हैं। इसी के साथ लैगून में आपको फिरोजा पानी के अलावा मलाईदार सफेद मिट्टी भी मिलेगी। इसके बारे में कहा जाता है कि इसे आप अपने चेहरे और शरीर पर भी लगा सकते हैं। ये एक ट्रीटमेंट की तरह काम करती है। जी हाँ दोस्तों, स्पा की तरह, वो भी मुफ्त में। दोस्तों, ये है रॉक द्वीप समूह। पलाऊ या चिंचेबाग का रॉक द्वीप, जो अपने छोटे और बड़े चूना पत्थर द्वीपों के लिए जानी जाती है। द्वीपों ने पलाऊ के दक्षिणी लैगून की रचना की है और ये कोरोर और पेलेलुई के बीच में है। 300 द्वीपों में पलाऊ के अधिकांश पर्यटन स्थल भी मौजूद हैं और ये अच्छे कारण है कि आप यहाँ आए। रॉक द्वीप अपने अद्वितीय ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है और यहाँ का समुद्री जीवन भी बहुत खास है। यहाँ पर आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, आपको ये जगह कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।